ओके सो जय हिंद वॉरियर्स क्रीड डिफेंस करियर एकेडमी तरफ मु सब एस्पिरेंट्स को पुनि थरे स्वागत जणाउछि एथर को बहुत भलो अपॉर्चुनिटी गोटे इंडियन नेवी रिलीज करिछि बहुत सारा कैंडिडेट्स मल्टीपल फेज देकी गोटे ऑफिसर होंती गोटे डिफेंस सर्विसेस रे आर्मी नेवी एयरफोर्स रे नेवी गोटे नोटिफिकेशन रिलीज करिछि जो थरे कि नो रिटन एग्जाम आउ डायरेक्टली आपण एसएसबी इंटरव्यू देकी इनफैक्ट गोटे कमिशन ऑफिसर हो पारे इंडियन नेवी बहुत सारा एंट्रीज एथरे तकरीबन आई थिंक 180 वैकेंसीज जोटा कि एथरक बाहरी 180 प्लस वैकेंसीज पिला माने अप्लाई करि पारिबे एंड सेटा गोटे गोटे करी मु डिस्क्राइब करी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट आमर जो कैंडिडेट्स माने जो पिला माने टेक्निकल ब्रांच रु बिलोंग करुछंती नॉन टेक्निकल ब्रांच रु समस्त को पई इक्वल बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज एथिर आसीछि तो गोटे गोटे स्टेप करी आमे आगो को जिबा फर्स्ट गोटे इंपोर्टेंट होउछि कि आर नोटिफिकेशन इंडियन नेवी वेबसाइट रे ऑलरेडी एक्टिव अछि जोटी कि आपण माने जाई कि पिला माने एनरोल करि परिबे 21 सेप्टेम्बर 2021 रु ए नोटिफिकेशन ऑलरेडी साइट रे लाइव अछि तो साइट रे चेक करिया पई indiannavy.gov.in जाई कि ए साइट रे आपण एटा चेक करि परिबे लास्ट डेट बहुत इंपोर्टेंट 5th अक्टूबर पूर्वरु लास्ट चाहे वेट करिबा दरकार नहीं इनफैक्ट सेटा को इमीडिएटली जेते जल्दी हेई परुची एप्लीकेशन टा अप्लाई करिबा कथा सो दैट टेक्निकल एरर्स पई बहुत टाइम रे एमिथि हुए लास्ट मोमेंट रे सिस्टम हैंग हो जाए बहुत सारा अलग टेक्निकल इश्यूज आसी जाए तो 5th अक्टूबर होची लास्ट डेट ता पूर्वरु सब पिला माने निश्चिंत इंडियन नेवी वेबसाइट रे जाई के अप्लाई करि परिबे ए अपॉर्चुनिटी जो शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर पई एटा अछि शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर जोटा कि मिनिमम 10 इयर्स रो सर्विस रुहे इंडियन नेवी सहित ए कोर्स टा जून 2022 ऑनवर्ड्स कमेंस होची जून 22 ऑनवर्ड्स इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला केरला रे ए कोर्स पई एबे थारु इनफैक्ट शॉर्टलिस्ट करा जिवो एप्लीकेशन जोटा आसीबो तापर एसएसबी इंटरव्यू होबो मेडिकल होबो आउ ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बाहरिबो तो बेसिकली एथरे कोन कोन को कैटेगरी रो एथरे नोटिफिकेशंस बाहर छि सेटा हम डिस्कस करिवो गोटे जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव आउ गोटे नेवल ओरिएंटेशन कोर्स रेगुलर ए दीटा कैटेगरी रे इनफैक्ट सब वैकेंसीज क्रिएट हे छि आमे आसीबा सबुठारु इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जेतेबेला आमे कथा हबा एथेरे सबुटु फर्स्ट आमे डिस्कस करिबा आमर इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच पई आपण को कोन हेथिबा दरकारे कोन क्वालिफिकेशन रहिथिबा दरकारे सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दैट एग्जीक्यूटिव ब्रांच रे जनरल सर्विस जोटा कि हाइड्रो कैडर बी आउ बीटेक हेथिबा दरकारे मिनिमम 60% मार्क्स 60% मार्क जदि रखिछंती बीटेक रे ए पोजीशन पई अप्लाई करि परि एथरे नंबर ऑफ वैकेंसी एटा देखिबा गले बहुत इनफैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी एथरे काफी अछि अराउंड 45 वैकेंसीज 45 टा वैकेंसी एथरे अछि बट एथरे गोटे कोन इनफैक्ट रेस्ट्रिक्शन कोन अछि ना ओनली मेन कैंडिडेट एथरे अप्लाई करि परिबे फीमेल करि परिबे ना जहार भी एज जो पिला मानकर एज 2 जुलाई 1997 पर बर्थ हेछि आउ 1 जान 2003 भितरे तांका डेट ऑफ बर्थ से पिला माने एटा को अप्लाई करि परिबे ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन जोटा कि एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टा अगेन बी आउ बीटेक हेथिबा दरकार ओ बी डिसिप्लिन मिनिमम 60% मार्क जोटा कि कोटे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ए पोजीशन पाए आउ ता छोड़ा कैंडिडेट को 60% मार्क रखिथिबा दरकार 10th आउ 12th रे आउ 60% मार्क तांको इंग्लिश रे 10th एंड 12th रे एग्रीगेट मार्क्स 60% आउ इंग्लिश रे 60% ए दी टाको यदि आपण स्कोर करिसेंती ताले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पाई यू कैन अप्लाई यदि यू आर ए बी और ए बीटेक ग्रेजुएट वैकेंसी टिके थे कम अछि चैरिटी वैकेंसी अछि बट एथरे गोटे प्लस पॉइंट
कौन रहुची ना एथेरे मेन आउ फीमेल मेल आउ फीमेल दुई जन जाका अप्लाई कर पारे डेट ऑफ बर्थ रो एठी दिया है छी 2nd July 1997 रो पारे 1st July 2001 भीतरे जदी आपन को डेट ऑफ बर्थ अछि ताले ए पोजीशन पै यू कैन अप्लाई सेमिति अलगा पोजीशन को आमे कथा हले ऑब्जर्वर तार सेम इनफैक्ट क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वर रो जो क्वालिफिकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रो अछि सेम क्वालिफिकेशन दरकार जोटा कि बी आउ बीटेक हेथिबा दरकार 60% मार्क्स रे आउ 10th आउ 12th रे एग्रीगेट 60% मिनिमम थिबो प्लस 60% मार्क्स इंग्लिश रे थिबो एटा 8टी वैकेंसी अछि एंड अगेन मेन आउ वुमेन दुई जण इस पोजीशन पई अप्लाई करि परिबो 2nd July 1998 रु डेट ऑफ बर्थ यदि 1st July 2003 भितरे थाए ताहाले यू कैन अप्लाई फॉर दैट तापरे पायलट 15टी वैकेंसी 15टी वैकेंसी अछि अगेन तार जो क्वालिफिकेशन अछि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जहा क्वालिफिकेशन बी बीटेक हेथिबे 60% मार्क्स एग्रीगेट रे थिबो आउ 60% मार्क्स एग्रीगेट 10th 12th रे 60% मार्क्स इंग्लिश 10th 12th रे एटा जदि अछि ताहाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑब्जर्वर आउ पायलट ए तीनटा जक पई आपण माने अप्लाई करि पारि तापरे आमे आसीबा आमे लॉजिस्टिक ब्रांच उपरे आसीबा लॉजिस्टिक ब्रांच रे मल्टीपल क्वालिफिकेशंस रो पिला माने अप्लाई करि पारिबे जो माने बी आउ बीटेक अछथि से माने तो करि ही पारिबे बट एथरे फर्स्ट डिविजन दरकार 60% मिनिमम स्कोर करथिबे जो माने एमबीए करिछथि नॉन टेक्निकल बट एमबीए करिछथि से माने भी अप्लाई करि पारिबे जो माने प्लेन बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी किंबा यदि कोनोसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करिछथि फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन रे से पिला माने मध्ये अप्लाई करि पारिबे एमसीए एमएससी आईटी यदि 60% मार्क अछि तो बहुत सारा वैरायटी इनफैक्ट एथरे इंक्लूजन अछि लॉजिस्टिक ब्रांच रे यदि आ भितरु बी बीटेक होंतु कि एमबीए होंतु बीएससी होंतु ए पोजीशन पई आपण अप्लाई कर परिबे 18टी वैकेंसी अछि बट आ गोटे भलो जिंस एथरे कि मेन आ वुमेन दुई जन जक अप्लाई कर परिबे यदि डेट ऑफ बर्थ 2nd जुलाई 1997 रो पारे आ 1st जन 2003 पूर्वरु यदि आ भितरे से इनफैक्ट आपण डेट ऑफ बर्थ पडुची ताहाले ए पोजीशन पई यू कैन अप्लाई तापर हमें आसीबा एजुकेशन ब्रांच में एजुकेशन ब्रांच नेवी रे एथरे बहुत सारा वैरिड क्वालिफिकेशन देची चारिटी पोस्ट जदि यू आर ए फर्स्ट क्लास इन एमएससी मैथमेटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन बीएससी रे आपन को फिजिक्स अछि आउ मैथमेटिक्स रे एमएससी करिछन्ति चारिटी पोस्ट अछि आप अप्लाई करबा सेकंड फर्स्ट क्लास एमएससी फिजिक्स की अप्लाइड फिजिक्स मैथमेटिक्स इन बीएससी एथरे भी चारिटा पोस्ट दिया हैछि जो माने एमए करिछन्ति हिस्ट्री रे ताको पई भी एथरा एटा गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी 55% जदि रखिछन्ति एमए रे हिस्ट्री रे गोटे पोजीशन से पोजीशन पई अछि एथरे वैकेंसी बी बीटेक भी एक पोजीशन पई अप्लाई करि परिबे जदि 60% मार्क कोनोसी भी इनफैक्ट फील्ड रे चाहे इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशंस ए फील्ड रे जदि करिछन्ति 60% मार्क रे ताहाले मध्य ए एजुकेशन ब्रांच पे अप्लाई करि परि सिमिलरली बी बीटेक 60% एंड इथरे गोटे आ गोटे सेम भलो जिंस कोन कि मेन आ वुमेन दुई जन जक एथि पे अप्लाई करि परि 2nd जुलाई 1997 रु 1st जुलाई 2001 भितरे जदि डेट ऑफ बर्थ अछि यू कैन अप्लाई फॉर द एजुकेशन कोर ओके तापरे आगु को आमे देखिबा आउ कोन एथरे अपॉर्चुनिटी अछि गोटे फाइनली गोटे टेक्निकल ब्रांच अछि टेक्निकल ब्रांच जोटा कि इनफैक्ट जो माने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स सेई मानक पई केवल एटा एप्लीकेबल गोटे इंजीनियरिंग ब्रांच रे गोटे जनरल सर्विस ब्रांच अछि गोटे इलेक्ट्रिकल ब्रांच अछि आ गोटे नेवल आर्किटेक्ट अछि इंजीनियरिंग ब्रांच जोटा जनरल सर्विस आ इलेक्ट्रिकल ब्रांच केवल मेन अप्लाई करि परिबे बट फीमेल कैंडिडेट नेवल आर्किटेक्ट ब्रांच पई अप्लाई करि परिबे जो थरे 12टी पोजीशन वैकेंट अछि एथरे सेम काफी सारा इनफैक्ट 60% मार्क तो मिनिमम दरकार ही दरकार जो आज डेट रे गोटे क्राइटेरिया मिनिमम 60% स्कोर करथिबे वैरिड फील्ड दिया हिच एरोस्पेस एरोनॉटिकल ऑटोमोबाइल्स कंट्रोल इंजीनियरिंग
तो ये जोटा भी आपण मरीन इंजीनियरिंग मेकानिक मेकानिट्रॉनिक्स मेटलर्जी प्रोडक्शन को फील्ड रे भी यदि यू हैव डन योर इंजीनियरिंग ए पोजीशन पई यू कैन अप्लाई फॉर दैट तापर आउ गोटे इनफैक्ट इथरे निजर एलिजिबिलिटी चेक कला परे एज क्राइटेरिया आउ अलग क्राइटेरिया चेक कला परे इथरे मर्चेंट नेवी पर्सनल जो माने ऑलरेडी मर्चेंट नेवी रे काम करूछंती ऑलरेडी मर्चेंट नेवी रे काम करूछंती से माने इनफैक्ट मध्य ए पोजीशन पे अप्लाई करि पाइबे परिबे यदि तांकर डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1992 रु 1 जन 2003 पर्यंत अछि ताहले से माने ए पोजीशन पे अप्लाई करि पाइबे यदि पायलट पोजीशन पे आपण माने को पिला माने कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल होल्ड करुछंती कमर्शियल पायलट लाइसेंस यदि होल्ड करुछंती ताहले आउ डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 रु 1 जुलाई 2003 भितरे अछि जो थे कि दुईटा को दिन इनक्लूसिव अछि से माने बथे अप्लाई करि पारि यदि स्कूल की कॉलेज रे यू आर ए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर ताको पई स्पेशल बेनिफिट अछि 5% रो कट ऑफ मार्क रिलैक्सेशन रहिबो जेते बळे एटा शॉर्टलिस्ट हो एटा गोटे बहुत भलो अपॉर्चुनिटी जोटा कि इनफैक्ट चाहे को भी विंग रो आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग रे अपन एनसीसी करि छंती एंड ए 5% इनफैक्ट ए कट ऑफ मार्क रे ऐड हे परिबो वैल्यू रे तो सेटा भी अपन से थ्रू रे भी अप्लाई करि पाए ओके ता परे हमें आसीबा कि ए पोजीशन पई क्यों माने अप्लाई करि परिबे ए पोजीशन पई क्यों माने अप्लाई करि परिबे एथरे ऑलरेडी एक कथा हमें डिस्कस करि सच्चे जो माने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर रे अछंती किंबा ऑलरेडी ग्रेजुएशन करि सारि छंती विथ 60% मार्क और एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए जो भी यूनिवर्सिटी रु कॉलेज रु करुछंती से पिला माने ए पोजीशन पई अप्लाई करि परिबे जो माने ऑलरेडी क्वालिफाइड अछंती तंकर एजुकेशन सरीची 60% मार्क स्कोर करि छंती से माने इनफैक्ट तो तंक पाखरे सर्टिफिकेट अवेलेबल थिबो बट जो पिला मानक पाखरे सर्टिफिकेट नाही से पिला मानकु जदी से माने एसएसबी क्वालिफाई करुछंती ताहाले 30 अप्रैल 2022 पर्यंत से माने इंडियन नेवी को तंकर फाइनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करु पार करि पारथिबा दरकार ता अर्थ तमर एग्जाम 30th अप्रैल 2022 भितरे सरी जाइथिबो एवं 60% रो सर्टिफिकेट यू शुड बी एबल टू सबमिट टू इंडियन नेवी ता पर एथरे बहुत सारा इनफैक्ट किछि नोट देइछि ये सब डिटेल रे कवर करिवार रिक्वायरमेंट नाही बट इथरे किछि गोडा को इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा व्हाइल यू फिल अप द एप्लीकेशन गोटे कैंडिडेट केवल गोटी एप्लीकेशन ही भरी परिबो ओनली वन एप्लीकेशन नीड टू बी फिल्ड अप चाहे को भी कैटेगरी रे भरो यदि कि मल्टीपल कैटेगरी पे एलिजिबल होउछि कि सुइटेबल होउछि बट तुम मानको केवल गोटीए एप्लीकेशन भरिवार परमिशन अछि आउ एथिरे रफली 1000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करिवार प्लान अछि एतरो 1000 कैंडिडेट्स जो मानको एसएसबी कॉल लेटर आसीबो किमा नेवल सिलेक्शन बोर्ड रो कॉल लेटर आसीबो एसएसबी गोटे 5 डे रो इंटरव्यू प्रोसेस जोटा कि ता भितरे साइकोलॉजिकल टेस्ट ग्रुप टेस्ट इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली जोटा पिला मानको वॉरियर स्क्रीड इनफैक्ट ट्रेन करे हमरो इंडिविजुअल जीटीओ ग्राउंड्स अछि साइकोलॉजिस्ट अछंती जो माने तुम्हारो पर्सनालिटी ऊपर काम करि परिबे तुम कम्युनिकेशन ऊपर काम करि परिबे सो दैट यू आर एबल टू टैकल दैट एग्जाम सो आकु छाड़ी की आउ किछि बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स एथेन नाही बाकी सब रूटीन पॉइंट्स 21 सितंबर 2021 रो ऑलरेडी एटा जॉइन इंडियन नेवी पे एटा ऑलरेडी अपलोड हो जाय छी डायरेक्टली जाई कि पिला माने इथरे अप्लाई करि परिबे एंड ता परे निजर प्रिपरेशन स्टार्ट करि परिबे इंटरव्यूज पई सो विद दिस थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद
ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଫେନ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର ଏବେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡିଫେନ୍ସ କ୍ୟାରିୟର ଏକାଡେମୀ ୱାରିୟର୍ସ ଗ୍ରେଡ୍। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏନ୍ଡିଏ, ସିଡିଏସ୍, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ନେଭି, ଏସ୍ଏସ୍ବି ଏବଂ ଆର୍ମିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋର 4:30 ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦିଆଯିବ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଆମର ଏଇଟା ଏକାଡେମୀର ପର୍ପସ୍। ଆଉ ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମ୍, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇ ଏକାଡେମୀକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆମର ବେସିକ୍ ଏମ୍ ରହୁଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏଠି ଆସି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଏକାଡେମୀ ଜଏନ୍ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ୍ ଏମ୍। ବେସିକାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଯେମିତି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ରନିଂ କମଜୋର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରନିଂ ସ୍ପିଡ଼ ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ SSGD, NDA, CDS, SCAT, ଯେଉଁମାନେ ରନିଂ 1600 meter କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୟା SI ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଂ ସୁନେ SI ଆସୁଛି, SI ପାଇଁ ଯେମିତି 1600 meter ରନିଂ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହାର କମଜୋର ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆସଲ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆସଲ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କରାଉଛୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଦେଶ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୱାରିୟର୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଏକାଡେମୀକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏକାଡେମୀ କରୋନା କାରଣରୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତଥାପି ଏକାଡେମୀର ସଫଳତା ହାର ନେଗେଟିଭ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଆଜ୍ଞା ମିଳିନି। ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁକି ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଆପ୍ରାଣ ସେଟା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯାଇକି ଏ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆର୍ମିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଥାଆନ୍ତି, ଏଇ କେବଳ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁକି। ଡର କହିଲେ ଡର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣୁନେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଆଉ ନିଜେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେତିକି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କରି ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁଛେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଅନର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଶ ସେବା ସହ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ୱାରିୟର୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।